नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के HRTC यात्रियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो इन HRTC यात्रियों को बड़ी सुविधा मिली है, क्या खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो HRTC ने यात्रियों को दी सुविधा, काउंटर पर QR कोड स्कैन कर दे सकेंगे किराया। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने यात्रियों को बुकिंग काउंटर पर QR कोड स्कैन कर किराए के भुगतान की सुविधा का तोहफा दिया है। सुविधा शुरू होने से यात्रियों और HRTC के बुकिंग क्लर्कों को खुले पैसे की किल्लत से निजात मिल जाएगी। वहीं प्रदेश के सभी बुकिंग काउंटरों के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून सहित अन्य बाहरी राज्यों के बुकिंग काउंटरों पर भी यह सुविधा शुरू हो गई है। वहीं HRTC ने QR कोड स्कैन कर किराए के भुगतान की सुविधा के लिए पेटीएम मोबाइल वॉलेट कंपनी से करार किया है। वहीं कंपनी ने निगम के सभी बुकिंग काउंटरों पर स्कैन कोड और साइड बॉक्स उपलब्ध करवा दिए हैं। किराए का भुगतान होते ही साउंड बॉक्स पर संदेश आएगा, जिससे यात्री और बुकिंग क्लर्क को किराए की अदायगी का पता चलेगा। बता दें कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, UPI, SBI, योनो सहित अन्य डिजिटल वॉलेट के माध्यम से QR कोड स्कैन किराए का भुगतान हो सकेगा। निगम ने नई हाईटेक टिकटिंग मशीनों की खरीद शुरू कर दी है। इन मशीनों की मदद से बस में यात्री डिजिटल वॉलेट या ATM डेबिट व क्रेडिट कार्ड से किराए का भुगतान कर सकेंगे। तो प्रमुख रूप से यह है बड़ी खबर कि HRTC ने यात्रियों को बुकिंग काउंटर पर QR कोड स्कैन कर किराए के भुगतान की सुविधा का तोहफा दे दिया है। तो अभी के लिए यह है बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। चल